प्यारे व्यूवर्स, मुझे हर दिन मैसेज आते रहते हैं कि ब्रो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, कैसे करूं? तुम्हें यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए? वो तो सही है यार, लेकिन कौन करे, कौन जाए youtube.com पे चैनल बनाए? छोड़ो यार, खफा है सारा। अगर इतना खफा लग रहा है तो बना ही क्यों रहे हो? यार, अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो? तुम्हें तो पसंद आएगा ना। नहीं छोड़ो यार, लोग क्या कहेंगे। अबे लोगों की क्यों परवाह कर रहा है यार, लोगों का काम है कहना। छोड़ यार। सकू बेटा, आंटी आई, आंटी को सलाम करते होते हैं। नहीं यार अम्मी, मैं नहीं आ रहा यार, आप आंटी की बहुत दूसरी बातें होती हैं। मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैं अपनी बेटी को चेक कर रही थी। हाँ अच्छा, तो आपकी बेटी को लाइक स्टडी में कोई दिलचस्पी है? स्पोर्ट्स में, स्टडी में? उसको ज़्यादा स्पोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं है, आजकल तो वो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता फिरता है। ओह, ये अच्छे काम नहीं होते, बिगड़ जाएगा। इसमें बिगड़ने वाली कौन सी बात है, ये तो उसका शौक है बस। तो आपके हस्बैंड ने घर में एसी नहीं लगवाया हुआ? अच्छा चले छोड़ें, गर्मी बहुत है। और ये बताएं कि आपका बच्चा बड़े होके क्या बनेगा? बड़े होके क्या बनेगा, इसी चीज़ में लाइक सोशल मीडिया में ही आगे जाएगा? बेचारा परवीना, तुम्हारी तो मत्ती मारी गई है, लोग क्या कहेंगे? वही ना, क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे बताओ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग, इट्स योर ओन सखू फन। कैसे हैं आप सब? तो मैं चाहता था कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए कुछ अच्छा लेकर आऊं, कुछ नया लेकर आऊं, कुछ ऐसा लेकर आऊं जो वो चाहते हैं, जो वो देखना चाहते हैं। सो मेरा आज का ये था कि लोग क्या कहेंगे। अरे ये भी हम कहेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे। अच्छा खैर, एज कम्पेयर टू यूट्यूब, आजकल हम सोचते हैं यार यूट्यूब बनाने से पहले, पहली चीज यार लोकेशन नहीं है यार, हमारे घर में हमारा रूम सेट नहीं है यार, दीवारें ओ माय गॉड, हम इस जगह पे नहीं बना सकते यार, हमारे पास कैमराज नहीं है यार, कॉलर माइक नहीं है यार, ट्राईपॉड नहीं है यार, यार 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 यार, मतलब सारे एक्सक्यूजेस। एज कम्पेयर टू मी, आई हैव 1.4 मिलियन ऑन टिकटॉक एंड 7.6K ऑलमोस्ट ऑन लाइक माय इंस्टाग्राम। माय फ्रेंड यूज़ टू से मी, सखू लेट्स स्टार्ट यूट्यूब। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये ठीक है करते करते मुझे पूरा महीना गुजर गया। And I was like, okay, अब मैं करता हूँ स्टार्ट। मैंने YouTube स्क्रॉल किया, मैंने देखा यार मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म है, बल्कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा गेन होता है। अब मैंने ये चीजें नहीं सोची कि यार मतलब लोकेशन नहीं है। मेरी आज की वीडियो आप लोग अगर देखें तो मैंने जान बूझ के वो दीवारें दिखाई हैं जहां पे लाइक पेंट ही उतरा हुआ है, ताकि आप लोग देखें मेरे पास ना अच्छा ट्राईपॉड है, मतलब अच्छा क्या, मेरे पास ट्राईपॉड ही नहीं है मेरे पास। अब आपने लोकेशन देख ली, लाइक मैंने ये नहीं सोचा कि लोकेशन सही, या मंथ पहले मैं ये सब सोच रहा था, लेकिन मैंने कहा यार जब कुछ शुरू ही करना है तो चलो ना करें। अब लोग, अब मैंने कहा अच्छा यार कुछ अच्छी वीडियोस पोस्ट करता हूँ। मैंने एक दो लाइक पहली मरी की पोस्ट की, मैंने कहा यार ठीक है, लोगों ने मुझे लाइक बहुत ज्यादा वो किया। मैंने कहा यार अगर मतलब करना ही है तो बंदा छोटे स्टेप से ऊपर जाए ना, लाइक पहले ही अगर मैं लोगों के घर में जाके बना लूँ या मतलब दूसरों की गाड़ियों में या ये वो कुछ भी कर लूँ, तब भी तो लोग करेंगे ना, लाइक बातें करेंगे ये वो। तो आज का मैंने सोचा कि यार रियलिटी बेस बात करते हैं। अब आपको क्या लगता है, इतनी देर से जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या कोई स्क्रिप्टेड है, या मैंने पहले रात को बैठ के कुछ लिखा है और मैं फिर वही सब बोल रहा हूँ? नहीं यार, मतलब यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए पहली बात। सबसे ज्यादा मतलब मैंने ब्लॉगर्स के भी देखे हैं, जो बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं उनका मैंने नोटिस किया, वो जो बता रहे हैं ना लाइक के ट्रैवलिंग होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। यार कोई ये तो बताए कि कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, आप कहीं भी खड़के कुछ बोल तो सको, बल्कि आप बोल तो सको कि आप बोलना क्या चाहते हो। तो अगर मतलब आप नहीं भी फेमस हो रहे हैं यार, अगर आप 100 वीडियोस बना ली, सपोज आपने 100 वीडियोस पोस्ट कर ली और आपके अभी 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए, तो कोई बात नहीं यार, 1000 पे हो जाएंगे, 200 पे हो जाएंगे, हो जाएंगे। मतलब ये मत सोचो कि हो जाएंगे, नहीं मतलब होंगे यार। यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस लेवल अप कि होंगे, मैंने एक चीज में कदम रख दिया तो वो मैं करूंगा, वो होगा। लोग जो बोलते हैं वट एवर यार, उन्हें बोलने दो, मत सोचो। मैं अपना बताता हूँ, लाइक ऑलमोस्ट 1 ईयर या 1.5 ईयर पहले आई स्टार्टेड टिकटॉक,
और उसके पीछे जो रीज़न थी लाइक ऐसे ही, मतलब मुझे यार सोशल प्लेटफॉर्म ना बचपन से ही बहुत पसंद था. लाइक मुझे लगता था कि शायद मैं मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा फेम उठा सकता. मैंने जब स्टार्टअप लिया ना तो लोग मुझे कहते थे सखू यार बाइक के ऊपर गर्मी में जा रहा है तू, गानों पे बना रहा है तू, ये कर रहा है तू, वो कर रहा है. अच्छा मेरी अम्मी को आके नेबर्स आपका बच्चा बिगड़ रहा है, मेरी मम्मा ने कहा ठीक है ना यार अगर वो कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है. आज मतलब मैंने एक रास्ता चुना, मुझे खुद पे लाइक यकीन था, मैंने बहुत ज़्यादा गिव अप किया. मैं ये नहीं कहता कि मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने किया, लेकिन आज देखें कि अगर मेरे लाइक 1.4 मिलियन हैं तो वो मेहनत है, वो मेहनत. मैंने अब खुद को चैलेंज दिया है कि मैं यूट्यूबर भी बन के दिखाऊंगा. मतलब मैंने सोच लिया तो मैं करूंगा, अब नहीं कल नहीं परसों नहीं तरसों नहीं मंथ नहीं ईयर नहीं, लेकिन आई विल बी अ यूट्यूबर. मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं. क्या मेरे क्या कोई हाथ पांव टुंडे हैं? लाइक कम ऑन लोग 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 था. इफ यू लाइक माय कंटेंट, अगर आप चाहते हैं कि मैं रियलिटी बेस पे, बल्कि हाँ आप एक कोशिश किया करें कि जो चीज है ना उसको रियल दिखाया करें, लाइक वो फेक ना हो. अब ये सब जो है ये रियल है, फेक नहीं था. तो इफ यू वॉन्ट कि मैं ऐसी वीडियोस और भी बनाऊं, सो जस्ट कीप सपोर्टिंग मी गाइस, और इस चैनल को जितने जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करें और लाइक करें. अल्लाह हाफिज़.